कोविड-19 टेस्ट नहीं हो पाना या अस्पताल में इलाज के लिए बेड नहीं मिल पाना, ऐसी कई घटनाएं पिछले कुछ दिनों में मुंबई और दिल्ली से रिपोर्ट हुई हैं। ये दोनों महानगर ही देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये घटनाएं उन हालात से मेल खाती है जिनसे महामारी के सबसे खराब दौर में इटली और न्यूयॉर्क सिटी को गुजरना पड़ा था। लेकिन अहम सवाल ये है कि मुंबई और दिल्ली में से कौन से महानगर में चीजें नियंत्रण में आती दिख रही हैं। दिल्ली शहर की आबादी 1.68 करोड़ और मुंबई की 1.25 करोड़ है। मुंबई का आबादी घनत्व हालांकि दिल्ली से बहुत अधिक है। मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 20,000 से अधिक लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक शहर का 40% से अधिक हिस्सा स्लम में रहता है। ये किसी भी भारतीय शहर के लिए सबसे बड़ा स्लम का हिस्सा है। अधिकतर उपायों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोविड-19 महामारी को लेकर मुंबई की स्थिति दिल्ली की तुलना में अधिक खराब है। मुंबई में दिल्ली से 20,000 अधिक केस है। मुंबई की आबादी दिल्ली से कम होने के बावजूद यहां राजधानी की तुलना में दुगनी मौतें हुई है। हालांकि मुंबई की तुलना में दिल्ली में केस की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुंबई में जहां मार्च के अंत से केसों की वृद्धि दर ने रफ्तार पकड़ी थी, जो अब कुछ धीमी हो रही है, दिल्ली में हर 13 दिन में केसों की संख्या दुगनी हो रही है, वहीं मुंबई में केस दुगने होने में 23 दिन लग रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।